राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर माह में गुरु बृहस्पति के वक्री होने की। देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे। अगले साल 4 फरवरी तक उल्टी चाल से ही चलेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। गुरु की वक्री चाल का असर सभी राशि के जातकों पर पड़ेगा। ये कुछ राशि के जातकों को बेहतरीन लाभ देंगे तो कुछ राशि के जातकों को अशुभ फलों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रमुख स्थान है। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु उत्तम फलदायी हो तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। वहीं देवगुरु बृहस्पति अशुभ फलदायी हो तो अनेक तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं। यही वजह है जब देवगुरु राशि परिवर्तन करते हैं, अस्त या उदय होते हैं, वक्री या मार्गी होते हैं, तो इसका प्रभाव सभी राशि के साथ देश दुनिया पर भी देखने को मिलता है। इसीलिए इनके गोचर का बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है। 9 अक्टूबर से गुरु वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल से चलेंगे। जिन जातकों की कुंडली में गुरु वक्री हैं और उत्तम फलदायी हैं, तो उनको बहुत उत्तम लाभ मिलने वाला है। अगले 119 दिन गुरु वक्री रहेंगे, आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए गुरु का वक्री होना किस तरह का प्रभाव देगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना लाभकारी होगा। एकादश भाव लाभ का भाव है। कर्क राशि के जातकों के लिए हर ओर से लाभ प्राप्त होगा। सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ कार्यक्षेत्र पर लगे रहें। अचानक से आपको इंक्रीमेंट की खबर मिल सकती है। अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश से व्यापार में लाभ हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को विदेश में शिक्षा का अवसर मिल सकता है। नौकरी में परिवर्तन से लाभ हो सकता है। नौकरी में कर्मचारियों का साथ मिलेगा। नौकरी में अधिकारियों के सहयोग से वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी। भविष्य में इस मुलाकात का लाभ मिलेगा। व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिलेगा। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। घर में मांगलिक काम हो सकते हैं। परिवार के मतभेद दूर होंगे। परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। प्रेम संबंध मधुर होंगे। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बेहद शानदार रहेगा। कर्क राशि के लोगों को अब 119 दिन लाभ ही लाभ होगा। इस समय पर लिए गए सभी निर्णय सही साबित होंगे। आप हर दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं मंदिर में और गरीबों को केले का दान करें। इन सामान्य उपाय के जरिए कर्क राशि के जातक गुरु के वक्री होने के और अधिक बेहतरीन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष और धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।